जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आपने जो सीखने की बात कही है, मैं सिखाऊंगा, परंतु सबसे बड़ी समस्या जो आड़े आएगी, तो मैं जो महसूस हो रही है वो है क्रोध। मेरे गुरु ने मेरे से जो सबसे पहले गुरु दीक्षा दी, उसमें उनने मेरे से गुरु दीक्षा में एक ही चीज मांगी और वह है क्रोध। उनने मेरे से क्रोध मांगा और मैंने उनके चरण पकड़ करके बोल दिया कि आपको दे दिया मैंने, तब से क्रोध नहीं करता हूं, बहुत कम क्रोध करता हूं। करता हूं, कभी कभी आ जाता है, जब बहुत अति हो जाती है तब आता है, ऐसे में क्रोध नहीं करता। इसलिए मैं भी आपसे यही चीज मांगूंगा कि आप किसी से भी, चाहे वो अपना बच्चे हो, बच्ची हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, यार दोस्त हो, अपने से बड़ा हो, छोटा हो, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध मनुष्य को भी खाता है और जिसके प्रति क्रोध किया गया उसको भी खाता है, और बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है, और क्रोध अंधा होता है। क्रोध में न जाने क्या क्या हो जाता पता ही नहीं चलता, क्योंकि अंधा है, डार्कनेस है, भयंकर डार्कनेस है। और पेशेंस, धैर्य, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, पढ़े लिखे हो आप, समझदार हो, क्या सीखना चाहते वो भी मुझे बताने की कृपा करें। पूर्ण धैर्यता के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में, गुरु के निर्देशन में, यदि परोपकार वाली बात आप सीखना चाहते हो तो मैं सिखाऊंगा। स्वागत है आपका, परंतु किसी से नाराजगी नहीं, प्रेम के साथ, वात्सल्य के साथ, स्नेह के साथ, ममता के साथ में, क्योंकि जितना अपन झुक करके चलेंगे, जितना अपन किसी को आदर सम्मान देंगे, क्योंकि लदा हुआ पेड़ ही झुकता है, जिसमें फल ज्यादा लगते हैं वो पेड़ स्वतः झुक जाता है दूसरों को फल देने के लिए, और जो खड़ा रहता है, बेगुतना हुआ रहता है, उसकी छाया भी नहीं लगती मनुष्यों को, और जो घना पेड़ रहता है उस पर फल भी ज्यादा आते हैं, और वो उतना ही झुका हुआ रहता है, उतना ही ठंडा भी रहता है। शायद मेरी बात से आप समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, शुरुआत अच्छी करिए। मुझे उम्मीद है मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे मैं भी पढ़ा लिखा हूं, फिर भी मैं बिना पढ़े लिखे मनुष्यों के पास गया हूं, जिनके पास ये ज्ञान था, उनको भी गुरु बनाया है। मैं चाहता तो मैं भी कहता, भैया मेरी नजर में तुम आठवीं पास भी नहीं हो, पांचवीं पास भी नहीं हो, मैं तुम्हें गुरु क्यों बनाऊं। पर नहीं, उनके पास जो ज्ञान था वो ज्ञान लेने के लिए मुझे उनको भी गुरु बनाना पड़ा और उनसे ज्ञान लिया। इसी प्रकार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, न मैं बड़ा हूं न आप छोटे हो, सब आत्मा है, सब परमात्मा का अंश है,
बस मेरे पास अलग किस्म का ज्ञान है, आपके पास अलग किस्म का ज्ञान है, आपकी पदवी अलग है, मेरी पदवी अलग है, सब अपनी अपनी जगह बड़े आदमी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए मैं तो सिखाने के लिए बैठा हूं। शायद अभी तक आपने तंत्र स्कूल के बारे में सुना ही नहीं होगा। जो प्रथा मैंने प्रारंभ की है कि आओ तंत्र सिखाता हूं मैं, और कुछ लोग आए और सीख रहे हैं। मैं कोई ऐसी तंत्र विद्या नहीं सिखाता जिससे कि किसी का मारण प्रयोग हो, किसी का नुकसान हो। सिखाऊंगा जरूर, जाते जाते जरूर विद्या देके जाऊंगा, परंतु ऐसे मनुष्य को जो उसका सदुपयोग करेगा। हां, किसी को ऊपरी बाधा लग गई हो, जादू टोना लग गया हो, शरीर खराब हो गया हो, मस्तिष्क खराब हो गया हो, शादी ब्याह नहीं हो रहे हो, बहुत से परोपकार के काम होते हैं, बहुत से हैं, उनको सीखो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या आज इस सप्तमी की रात, काल रात्रि की रात आपको सुखी रखे, ऐसी प्रार्थना मां से कर रहे हैं। हवन चल रहा है, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, शायद ये आंसू मेरे शरीर से जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो आपके शरीर तक पहुंच रहे हैं, आपकी आत्मा तक पहुंच रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और निरोगी रखे, यश दे, कीर्ति दे, ऐसी कामना करेंगे। मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय आपका कल्याण करें। जय माता दी।